जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं खुर्शीद सर, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बेटा, जैसा आपका CGL और SSC का एग्ज़ाम लगा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस सेट हो रही है। और प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो, नए पैटर्न को सोचो और नए लॉजिक और नए कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो सब लोग देखा करो, लास्ट तक सब लोग प्यारे बच्चों देखो। और ये सिर्फ आपके एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। एग्जाम में जैसा जैसा पैटर्न आ रहा है वैसे सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उसी लेवल के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आप अपनी स्पीड बनाओ और प्रैक्टिस करो और एग्जाम के पैटर्न को जरूर पहचानो, ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे दी गई ये क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन को ध्यान में बहुत रखा जाता है कि क्वेश्चन हमारे पास कहेगा क्या। नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। देखो, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था प्यारे बच्चों, अभी भी ऐसे ही आया हो तभी दे रहा हूँ। ये फाइनल हमारे पास है कि ये कागज बना है, ठीक, और इस कागज को अगर हमने इधर की ओर टर्न किया है तो साफ साफ कह रहा है ये डॉट डॉट लगा के यहाँ टर्न किया गया है। एक ही बार में सबको टर्न दिखा दिया गया। और यहाँ पे उसकी कटिंग है कि ये भाग काटा, ये एक ट्राइंगल की तरीके से काटा, ये अर्धवृत्त की तरीके से काटा, ये एक ट्राइंगल की तरीके से काटा, तो इसी तरीके से कटा होना चाहिए। मेरे बाहरी पार्ट एक अर्धवृत्त में कटा होना चाहिए ऐसा। क्या हमारा इसमें कटा है? नहीं, तो ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन में क्या कटा है? सी ऑप्शन हो गया गलत। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस आकृति में तो कटा है, क्या यहाँ पे बीच में कोई डायग्राम हमारे पास जब ऐसा ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? सर्कल बनेगा बीच में, जो ये ऐसा कटा है, फिर टर्न होगा तो ऐसा और फिर टर्न होगा तो ऐसा, ये गोले में आकार में कटेगा बस, और हर कोने पे ये ट्रायंगल ऐसे अर्धवृत्त सा कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा? डी। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को स्कैन करना है, डायग्राम देखना है किस तरफ मोड़ा गया, किस तरफ काटा गया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो, कोड डिकोड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जब तक आपको अपोजिट याद ना हो, लेटर का अपोजिट याद होना बहुत ज़रूरी है, नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। किसी निश्चित कूट भाषा में डेंजर, DANGER, डेंजर को ED SHHW ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्पीडी को क्या लिखा जाएगा? SPEED Y। स्पीडी को क्या लिखा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर हम इनके नंबर लिख लें 4, ये लिख लें 5, ये लिख लें 1, ये लिख लें 4, ये लिख लें 14 और ये लिख लें हम 19, अगर हमें नंबर मालूम रहेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी आसान सा काम कर देंगे। ये 5 है, ये 8 है, ये 18 है और ये 23 है। अब मेरी बात ध्यान सुनना प्यारे बच्चों कि हमने गेम क्या किया होगा, ये ध्यान में बहुत ज़रूरी है। 4 में अगर हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास 5 बन गया, 1 में अगर 1 3 प्लस किया तो हमारे पास 4 बन गया, 14 में अगर 5 जोड़ दिया तो 19 बन गया, तो इतना हमने देखा। 7 में 1 जोड़ा 8 बन गया, 5 में 3 जोड़ दिया 8 बन गया, और 18 में 5 जोड़ दिया 23 बन गया। तो हमें जोड़ना कितना कितना है प्यारे बच्चों? 1 3 5। तो हमने अगर S में 1 जोड़ दिया कितना बन गया? T। पी में अगर 3 जोड़ दिया क्या बन गया? एस। और ई में अगर 5 जोड़ दिया क्या बन गया? जे। तो हम सबसे पहले तो आंसर को मैच करते हैं, अगर 3 लेटर तक ही सेम करना है। TSJ यहाँ लिखा है TSI, ऑप्शन गलत हो गया। TSJ यहाँ लिखा TSI, ये दो ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखना E में 1 जोड़ देंगे तो क्या बनाएंगे? F। तो अब ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है चौथा लेटर E और जोड़ना था 1, तो ये सेम लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर क्या निकला हमारे पास? B। अगर पूरा मैच करना है पेपर में तो भी देखेंगे, 4 में अगर हम 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 7 बनेगा, जिसको जी बोलेंगे। 25 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 30 बनेगा, जिसको डी बोलेंगे, जो हमारे 30 नंबर पर आएगा। बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ ऐसा क्वेश्चन? चलो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है वो ये क्वेश्चन है। लिखा है 129:216 ·165:-। सबसे पहले इसका रूल होता है ए रिलेशन बी, सी रिलेशन डी। यहाँ पे डबल रेशियो होता है, जो रिलेशन ए और बी में करेंगे वही रिलेशन सी और डी में करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं लगता है तो ए का रिलेशन सी से, बी का रिलेशन डी से, ऐसा हम एनालॉजी में रूल आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके बीच में डिफरेंट ढूंढते हैं, जो कि अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर। तो ये अंतर बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 129 और 216 का, अगर डिफरेंट कर रहा हूँ
तो अगर 216 से अगर हम लोग 129 घटा दें तो यहाँ 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 20 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 8। अगर मैं 87 यहाँ पे जोड़ दूँ प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आंसर बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने इनका डिफरेंट निकाला तो इनका भी डिफरेंट उतना ही होना चाहिए। 7 और 5 12 का 2 हासिल में हो जाएगा 1, 8 और 6 14 और 1 15 हासिल में 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। तो आंसर प्यारे बच्चों कितना बना, 252, जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। सबसे पहले डिफरेंट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, जब नहीं ये बनेगा तो स्क्वायर माइनस या क्यूब माइनस, ये भी रूल नहीं बनेगा तो प्यारे बच्चों डिजिट सम करेंगे। क्या करेंगे? डिजिट सम। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेटर पे आता है, जीएस पे आता है, नंबर्स पे क्वेश्चन आता है, तो इन पे आपको ध्यान रखना है। लिखा है जैसे BUMP, उसके नीचे जस्ट ये लिख दो N, उसके बाद O, उसके बाद S, उसके बाद D, ये आपने लिख दिया। अब इधर ध्यान देना, और इनमें रूल भी ढूंढना है हमें, और रूल कैसे ढूंढना है ये चीजें हमेशा याद रखना। जैसे P में अगर हम 2 कम कर दें तो हमारे पास क्या बना प्यारे बच्चों, N। M में 2 जोड़ दें, S में 2 कम कर दें और B में 2 जोड़ दें, ये हमारे पास क्रॉस बना। वैसे ही यहाँ पे क्रॉस बनाना है पिक का, PIC के। अगर हमने यहाँ पे 2 कम किया तो इससे भी 2 कम करूंगा प्यारे बच्चों, K से 2 कम कर दूं, कितना बचा, ये जैसे 16 होता था ये 14 होता है, तो इससे भी करूंगा 11 से अगर 2 कम करूंगा 9 बचेगा, और C में 2 जोड़ दूंगा तो E बन जाएगा, I से 2 कम करूंगा तो G बन जाएगा, और P में अगर 2 जोड़ूंगा तो R बन जाएगा। ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, IEGR, ऑप्शन नंबर A जो कि राइट आंसर है प्यारे बच्चों। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सबसे पहले डिफरेंट ढूंढेंगे, चाहे नंबर हो या लेटर हो। नंबर अगर आता है, लेटर अगर जोड़ने घटाने से मल्टीपल से नहीं बनता, तो हम लोग प्यारे बच्चे मीनिंग बनाएंगे हमेशा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, गणितीय चिन्हों का यह सही संयोजन चुने जिसमें क्वेश्चन मार्क संकेतों को क्रमिक रूप से बदला जा सके और दिए गए समीकरण को सही बनाया जा सके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ये आना चाहिए। सबसे पहले एक पहचान और बता दूं, ये लेसन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर हम सबसे पहले एक चीज देखें तो हमारे पास ये एक इक्वल में है, लास्ट में इक्वल में है, लास्ट में इक्वल में, लास्ट में इक्वल, तो याद रखना यहाँ पे हमें इक्वल रखना है। क्या रखना है? इक्वल। अब ऐसा कोई रूल यहाँ पे बनाए कि हमारे पास ये इक्वल हो जाए। अगर देखो सबसे पहली इस बात तो ये है, अगर हम यहाँ पे 72 में अगर 18 का भाग दे दें और इनटू अगर 11 कर दें और बराबर में हमारे कितना आ जाए 44, तो देखो पहले बूटमास का रूल है, इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 11 का मल्टीपल करेंगे कितना बन जाएगा 44, तो 44 बराबर कितना बन गया प्यारे बच्चों 44। हमने काम क्या किया किया, हमने एक सिंबल ये भरा है, एक सिंबल ये भरा है, यानी डिवाइड से स्टार्ट होना चाहिए फिर इनटू, तो ये हमारा प्लस से स्टार्ट ऑप्शन गलत, इनटू से स्टार्ट ऑप्शन गलत, इनटू से स्टार्ट ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन को, समीकरण को देखें, स्टेटमेंट को देखें, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें, और जीडी में 100% एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो आएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका एनालॉजी का है, यानी आपका सादृश्यता का क्वेश्चन है। तलवार का संबंध जैसे शस्त्र से है, वही नेकलेस का संबंध किससे होगा मेरे प्यारे बच्चों? सुनार, सुनार तो बनाता है मेरे भाई गर्दन, यानी महिलाएं, ऐसा नहीं। नेकलेस किसको? आभूषण को तैयार करता है। नेकलेस में क्या आता है? आभूषण। तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, ये नहीं कि गर्दन में पहन लेंगे। तलवार किस में रखी जाती है? शस्त्र में, ये चीज याद रखिए। तो नेकलेस किसका बनेगा? आभूषण का, सुनार नहीं, ना कि महिलाएं, ना कि गर्दन। चलो उस आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस डायग्राम को आप रोटेट नहीं करा सकते हो, घुमा नहीं सकते हो, मूवमेंट नहीं करा सकते हो, बस ऐसे ही सेम ढूंढना है। तो ये तो मोमेंटम है आपके पास, गलत है। अगर ये देखे तो इसमें ये जो क्रॉस दिए गए, इस आकृति में क्रॉस नहीं है। अगर इसके डायग्राम की बात करके चल रहा हूं तो इधर ध्यान देना और इसमें ध्यान देना, इसमें ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं दी गई है। देखो दी गई है पूरी, अगर स्ट्रेट लाइन बीच में देख रहे हैं, इसमें भी नहीं दी गई, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही। जो कि डायग्राम देखना, ये डायग्राम हमारे पास बना, ये लाइन बनी, ये लाइन बनी और ये लाइन बनी। बोलो ये इतना डायग्राम देख के सेम डायग्राम बना है? आकृति को घुमाना भी नहीं था, सेम डायग्राम ढूंढना है। इसको बोलते हैं हिडन डायग्राम लेसन, ये याद रखना, और इसका एक क्वेश्चन जीडी में आपको मिलेगा। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों सीरीज की, लेटर सीरीज है और ध्यान से करना है। देखो ये नंबर होता है इसका 4,
इसका 17, इसका 8, ये होता है 8, ये होता है आपके पास 21, ये होता है 12, ये 13, ये 26, ये 17, उसके बाद 19, 6, 23, ये नंबर डिजिट होते हैं। चलो शुरू कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि आपको करना कैसे है। अगर हम 4 में 4 जोड़ दें, अगर हम फिर 4 8 में 5 जोड़ दें 13, और 13 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ, तो हमने जोड़ा कितना, अगर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखें डी, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप 6H, फिर M, और M के बाद S। अब मेरी सीरीज देखना, 4 में 4 जोड़ा कितना बना 8, 8 में अगर हमने 5 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा कितना बन गया हमारे पास 19, 19 में अगर 7 जोड़ दें मेरे प्यारे भाई, तो 19 और 7 होता है 26, जो कि ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए जेड से, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अच्छा ये है क्यू, क्यू में अगर 4 जोड़ दें तो यू बनेगा, अगर यू में हम 4 जोड़ दें तो हमारे यू में अगर 5 जोड़ दें तो जेड बनेगा, और जेड में अगर 6 जोड़ दें तो हमारे पास एफ बनेगा, और एफ में अगर हम 7 जोड़ दें तो यानी 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एम। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सेकेंड लेटर एन है, यहाँ पे एल है, तो ये ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा मेरा राइट आंसर। आपको पहले 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 7 जोड़ना है, ऐसे करके ऐड करके चलेंगे तो आप आंसर क्लियर करके चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलो बात करते हैं इस सीरीज पे, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, लिखेंगे 13, 15, 12, 17, 10, 21, 8। अब मेरी बात ध्यान से सुन के चलना कि सीरीज में हो क्या रहा है, सीरीज घट भी रही है बढ़ भी रही है, तो चलो ध्यान करते हैं। 13 और 15 में कितना अंतर है 2 का, तो हमने 2 प्लस कर दिया, फिर क्या कर दिया 15 और 12 में माइनस 3 कर दिया, फिर इसमें किया प्लस 5 कर दिया, ध्यान से सुनना, अब माइनस फिर कर दिया 7, तो ये प्राइम नंबर भी एक तो मालूम हो रहे हैं, कौन से नंबर मालूम हो रहे हैं, प्राइम नंबर बेटा मालूम हो रहे हैं, और एक बार प्राइम नंबर जोड़ा गया है, एक बार प्राइम नंबर घटाया गया, तो यहाँ देखा 10 से 21 हुआ तो 11 जोड़ा गया है, और 11 से 8 बना तो यहाँ पे 13 घटाया गया है। अब मेरी बात प्राइम नंबर की है, तो प्राइम नंबर ध्यान से रखने के चलना है, देखना 2 जोड़ा 3 घटाया, 5 जोड़ा 7 घटाया, 11 जोड़ा 13 घटाया, अब जोड़ने की बात आई है, 13 के बाद 15 आता है, 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर कितना मिलता है हमें 17, तो 8 में अगर 17 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 25, ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इस पर लगा लो स्टार आप लोग, और करके देखना ये आपका प्राइम नंबर में, जैसे पुलिस जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है, ठीक है, जेल वार्डन में आपका प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आया है, सीजीएल में जितनी भी सीरीज अधिकतर आती है सब प्राइम नंबर पे फंसती हैं, तो आप जीडी के लिए भी बड़ी अच्छी तैयारी करो भाई। ये देखो क्वेश्चन आया है, पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, अच्छा पी क्यू का पति है, एक बात ध्यान रखना, ये ब्लड रिलेशन का शायद क्वेश्चन है, और कैसे करना है ये ध्यान रखना, मेल को हमेशा प्लस देते हैं और फीमेल को हमेशा माइनस देंगे, ये चीज़ें हमेशा याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं और सदस्य कितने लोग हैं 6 लोग हैं बच्चे, ठीक, पी क्यू का पति है, पी किसका पति है, क्यू का पति है, तो हमने ये पी क्यू का पति है और पति पत्नी को हमेशा एक लेवल में दिखाते हैं, ये पति है तो यहाँ हल्का सा हमने लिख भी दिया प्लस और निशान भी बना दिया, ये पत्नी है तो माइनस हो गया, बोलो इतना समझ में आ गया। आगे बोला गया है यू क्यू का भाई है, यू जो है वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है यू, तो ये प्लस हो गया, तो पी का क्या हो गया साला हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, आर क्यू का एकमात्र, आर जो है वो क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र है, यानी आर जो होगा वो क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र होगा, ये जब पति हो गया तो एकमात्र भाई कौन हुआ यू, यू जो है वो आर का क्या हो गया एकमात्र पुत्र हो गया। एस टी की बहन है, एस जो है वो टी की बहन है, क्या हमने एस और टी को दिखाया, लेकिन एस किसकी बहन है टी की बहन है, आगे साफ साफ लिखा है, ये देखो एस पी एस का पिता है, पी जो है वो किसका पिता है एस का पिता है, तो एस का पिता कौन है पी, लेकिन एस टी की बहन है, बहन कौन है एस, किसकी बहन है टी की, तो ये देख दिखा दिया, माइनस भी दिखा दिया, बहन भी लिख दिया, अब ये चाहे प्लस हो या माइनस हो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये एस का पिता है तो टी का भी पिता होगा, और जब टी का पिता होगा तो पिता की पत्नी क्या कहलाती है माँ, बोलो क्या कहलाएगी, और माँ का भाई क्या कहलाता है मामा, बोलो याद रहेगा माँ का भाई मामा कहलाता है, और मामा का पुत्र क्या कहलाएगा, मामा का पुत्र क्या कहलाता है ममेरा भाई, बोलो याद रहेगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, U का T से क्या संबंध है, हमें U का रिलेशन, जिसके पीछे प्यारे बच्चों का लगा होता है उसका रिलेशन बताते हैं उससे, तो U देखना ये P पिता हो गया,
क्यू क्या हो गई, माँ हो गई, और माँ का भाई क्या होता है, मामा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, माँ का भाई मामा। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है चार व्यक्ति ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी के बाई ओर ठीक बाई ओर बैठा। अच्छा कैरम खेलेंगे तो सेंटर की ओर मुंह करेंगे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो ये एक हमने ऐसा कैरम बना दिया गोल में, चौकोर में इस तरीके का, और लिखा साफ साफ है ए जो है वो सी के ठीक बाएं बगल में बैठा है। अगर हम सी को यहां बैठा लें तो उसका ए बायां ठीक बायां ये हो गया, डी बी के दाईं ठीक बगल में बैठा है। अच्छा साफ साफ लिखा है जो डी है वो बी के ठीक दाईं बगल में बैठा है, बी के ठीक। अगर बी को हम प्यारे बच्चों यहां दिखाएंगे तभी बी का ठीक दायां ये कौन बैठ जाएगा, डी। निम्नलिखित में से ए के की सही स्थिति को दर्शाता, ए की सही स्थिति को दर्शाता है, डी के सामने गलत है, सी के सामने गलत है, बी के बाईं ठीक बगल में गलत है, बी के सामने। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए राइट आंसर हो, बी सी राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर है यहां तक। देख लो सीधा सीधा लिखा है बी के सामने कौन बैठा है, ए, ए के लिए स्थित हमें बतानी है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आरेख में व्रत सैनिकों को, व्रत किसको दिखाता है प्यारे बच्चों, सैनिक को, तो ये हम सैनिक यहां पर लिख लेंगे ठीक। उसके बाद दिखाता है वर्ग, दिखाता है भारतीयों को, जो वर्ग है वो इंडियंस यानी भारतीय लोगों को दिखाता है। और उसके बाद लिखा है त्रिभुज गायकों को दिखाता है, त्रिभुज दो हैं वो गायक लोगों को दिखाते हैं। अच्छा आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। विभिन्न खंडों को दी गई संख्याएं उस श्रेणी को संबंधित करती हैं, व्यक्तियों को संबंधित करती हैं। अच्छा यानी साफ साफ लिखा विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित करती हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि संख्या पांच किस श्रेणी को दिखाता है, संख्या पांच। अब मेरी बात ध्यान देना, सैनिक में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सैनिक में एक आ रहा, दो आ रहा, तीन आ रहा, तो ये सैनिक तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बोला गया पांच किसको किसको दर्शा रहा है, पांच भारतीय में भी है और गायक में भी है प्यारे बच्चों। तो भारतीय सैनिक जो गायक नहीं, जो भारतीय सैनिक, सैनिक में तो वो आनी नहीं चाहिए। देखो भारतीय गायक जो सैनिक हैं तो वो सैनिक है ही नहीं पांच में, भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, भारतीय गायक हैं और जो सैनिक नहीं है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है, क्योंकि पांच सैनिक नहीं है लेकिन भारतीय क्या है, गायक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है उससे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि पांच जो मिल रहा है इन दोनों में कॉमन मिल रहा, सैनिक में नहीं मिल रहा, तो नहीं वाला सैनिक ढूंढना था। उस विकल्प का को चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में। अगर किसी को इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी आती है तो वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर ले जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले मैच करते हैं कहाँ तक मैचिंग हुआ, टी ई आर, ये समझ में आया, यहाँ पे टी एच, यहाँ पे टी ई, यहाँ पे टी एच, यहाँ पे टी एच। अच्छा एच से पहले ई आता है कि आपके पास एच आता है, तो ई पहले आता है प्यारे बच्चों, तो ई वाला देखेंगे। यहाँ पे टी ई आर लिखा है, यहाँ पे टी ई आर लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन के चलना क्योंकि हम एच वाला बाद में लेंगे, पहले हम टी ई आर, टी ई आर, यहाँ चौथा लेटर आर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास एम, तो सबसे पहले एम वाला लेंगे, उसके बाद तुरंत हम ये लेंगे। तो 13 से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। देखो इसमें 15 मिला, इसमें 12 मिला, इसमें 12 मिला। अब कुछ समझ में आया कि 13 हमने क्यों बोला, जब 13 से एक ऑप्शन स्टार्ट है, दो लेटर आपने मैच कर लिए तो पेपर का रूल होता है डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि 13 से स्टार्टिंग सिर्फ बी की है जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर, लेकिन फिर भी एक बार मैच कर लो क्वेश्चन को। यहाँ पे टी एच ई आर है, यहाँ पे टी एच ई एस है, यहाँ पे टी एच आई है, लेकिन हमें आई से पहले ई आता है, तो यहाँ एस है, यहाँ आर है, तो यहाँ पे हमें दो लिखना है, दो के बाद तुरंत हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे एस पे, तो एस का नंबर है 4 और ये है 5, तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए 13245। ये ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। मैच करने के लिए दो लेटर भी बहुत काफ़ी हैं, मैच करने के लिए आपके पास तीन शब्दकोश भी काफ़ी है, तीन लेटर को अगर अरेंज कर लिया तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो प्यारे बच्चों। चलो
चार शब्द चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से एक समान है और असंगत हैं, उस शब्द उस अक्षर समूह का चयन करें। असंगत है, असंगत लिखा हो, बेमेल लिखा हो, भिन्न लिखा हो, इंग्लिश में डिफरेंट लिखा हो। तो प्यारे बच्चों, इसको डिफेंस में अगर देखते हैं तो कहते हैं ऑड मैन आउट। अगर अपनी उसमें लेते हैं, SSC है, पुलिस है, रेलवे है, कोई भी एग्जाम लेते हैं, तो इस लेसन का नाम होता है क्लासिफिकेशन। हिंदी इसकी होती है वर्गीकरण। तो लेसन का नाम जानना बहुत जरूरी होता है। लिखा है मेरे पास ये, तो H का नंबर होता है 8, ये होता है 6, ये 4, और ये होता है आपके पास 26, और ये होता है आपके पास 24। बोलो प्यारे बच्चों, इतना याद रहेगा? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन के चलना। ये हमारे पास O है 15 नंबर, ये है 13 नंबर, ये है 11 नंबर, और ये है हमारे पास 9 नंबर, ये है 7 नंबर। ये हमारे पास अगर देखें तो 3 भी पढ़ेंगे, 1 भी पढ़ेंगे, 25 भी पढ़ेंगे, 23 भी पढ़ेंगे और 21 भी पढ़ेंगे। ये है 20, 18, 16, 14 और देखें 12। अब एक चीज़ हमने जैसे लिखी तो वहाँ लिखने पे ही हमें सारी बातों का एहसास हो गया है। 15 से 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, यहाँ तो 2 कम हुआ है। अच्छा, अगर इसको हम 29 भी पढ़ें या हम 3 भी पढ़ें, 3 से 2 कम किया 1, और 1 को 27 भी पढ़ते हैं, 1 भी पढ़ते हैं, 27 से 2 कम किया 25, 25 से 2 23, 23 से 2 21, 20 से 2 18, 18 से 2 16, 16 से 2 14, 14 से 2 12, क्या ये हमारे 2-2 के डिफरेंट में बना है प्यारे बच्चों? नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक खास कोड भाषा में वेंडर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कस्टम को क्या लिखा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोड डिकोड का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आ जाए तो हमेशा लेटर के नीचे लेटर लिखना, और बहुत आसान सा, बहुत साफ साफ एक ही बार में काम हो जाएगा। T, उसके बाद M, उसके बाद F, उसके बाद है L, और L के बाद है G, G के बाद है T। अब मेरी बात सुनना, ये प्यारे बच्चों 22 है और ये क्या है 20 है, ये हमारे पास 5 है और ये क्या है 13 है, ये हमारे पास 14 है और ये क्या है हमारे पास 6 है, ये है हमारे पास 4 और ये क्या है 12, ये है 15 और ये क्या है 7, ये है 18 और ये क्या है 20। अब मेरी बात ध्यान से सुन के चलना कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और कैसे आपको करना है। ध्यान से सीखोगे जल्दी सीख जाओगे। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से शुरू कर दूँ लगाना क्वेश्चन, तो देखना मेरी बात, अगर मैं लास्ट से लगाऊँ तो भी क्वेश्चन लगेगा, स्टार्टिंग से लगाऊँ तब भी लगेगा। ये 22 है, ये 20 है, कह दूँ 2 कम कर दूँ, अगर ये 5 है, ये 13 है, तो 8 का डिफरेंट हुआ, ये हमारे पास 8 का डिफरेंट हुआ, ये 8 का डिफरेंट हुआ, ये 8 का डिफरेंट हुआ, फिर हमारे पास 2 का डिफरेंट हुआ। अगर हम ऐसे ही करें, पहले 2 का डिफरेंट कर लें, सी से 2 का डिफरेंट करेंगे, अगर 2 जोड़ेंगे तो ई होना चाहिए, 2 घटाते तो ए होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बना है प्यारे बच्चों। जब ऐसी कोई कंडीशन आपके पास अप्लाई होती है तो आप पहला लेटर देखो, लास्ट लेटर देखो, मिडिल लेटर देखो, पहला लेटर देखो, हमेशा 2-2 लेटर को बदलो, 3-3 लेटर को बदलो, 4-4 लेटर को बदलो। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखो, तभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर 18 में मैं प्यारे बच्चों 2 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा T, अगर मैं 15 से 2 कम कर दूं तो क्या बन जाएगा M, अगर मैं यहाँ पे 4 में 2 जोड़ दूं 6, अगर मैं 14 से 2 कम कर दूं 12, अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूं तो 7, अगर मैं 22 से 2 कम कर दूं तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 20। अब मेरी बात सुनना, पहले लेटर में हमने लास्ट के लेटर में 2 जोड़ा था, और फिर क्या किया 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, तो सबसे पहले लास्ट के लेटर में 2 जोड़ेंगे, तो मेरे भाई CUSTOM लिखा है, तो कस्टम यानी लास्ट वाले लेटर में 2 प्लस कर दो, तो M में 2 जोड़ दो, सबसे आगे लिख दो, O से 2 कम कर दो, सबसे यहाँ लिख दो सेकेंड नंबर में, T में 2 जोड़ दो, B लिख दो, S से 2 कम कर दो, Q लिख दो, U में 2 जोड़ दो, U में जब 2 जोड़ेंगे प्यारे भाइयों तो मेरी बात सुनना, U में 2 जोड़ दिया है तो कितना बन गया W, और C से 2 कम करेंगे तो क्या बनेगा A, लास्ट ऑप्शन में A होना चाहिए, इसमें N है और इसमें W है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, A यहाँ मिला, A यहाँ मिला, इस ऑप्शन में मिल रहा है P सेकेंड लास्ट, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हो, 2 जोड़ना, 2 घटाना, 2-2 लेटर, लास्ट स्टार्टिंग यानी मिडिल, ये सब सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको कोड डिकोड में। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, साइलोलिज्म का क्वेश्चन है।
आप इतनी बड़ी पूरी हिंदी मत पढ़िएगा, ऊपर से सिर्फ इतना पढ़िए कथनों का तार्किक रूप में अनुसरण करता है, यानी कौन सा ठोस है, कौन सा मेरा प्रबल है, कौन सा निकलेगा स्ट्रांग, कौन सा है। सभी अमरूद नाशपाती हैं, जितने भी प्यारे बच्चे अमरूद हैं वो सब क्या हैं, नाशपाती हैं। कुछ कीवी नाशपाती है, कुछ कीवी क्या है प्यारे बच्चों, नाशपाती है। तो इस फॉर्मेट में हमने इसको बना लिया। पिछले भी वीडियो में मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, आपको बताया था, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका प्यारे बच्चों, आप जब तक सिलॉक्स को अच्छे से सीखोगे तभी आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा। मैंने ऑफलाइन के क्लासों में आपको टाइप बाय टाइप इस चीज़ को दिखाया है प्यारे बच्चों, आप वहाँ से मेहनत करो और हमसे पूछो। नहीं लगता है तो क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछो, आप मेहनत करो, बस इस लेसन का क्वेश्चन आता है, आपको वही चीज़ें ऑनलाइन में दी जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ रही हैं या ये जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उन्हीं पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आप उन्हीं पैटर्न को देखो, लाइक करो, शेयर करो, हर किसी को करो, जो भी आपके साथ मेहनत कर रहा हो, आपका छोटा भाई हो या बड़ी बहन हो या छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी हो, उन सबको वीडियो भेजा करो, शेयर किया करो और देखो कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। आउटपुट जब अच्छा रहेगा तो और भी अच्छा रिजल्ट आपका बनेगा। आप अपनी थॉट को पॉजिटिव बनाओ, बस आप अपनी मेहनत करो अपने पे। अच्छा, ये हमने कर दिया, उसके बाद निष्कर्ष क्या निकले हैं इधर ध्यान दो। कुछ कीवी अमरूद है, देखो ये अमरूद था, ये कीवी थे, क्या इसका कोई पार्ट में संपर्क आया, क्या इनका सम और आल में कुछ गया, तो पहला वाला क्या हो गया मेरे भाइयों, गलत। कुछ नाशपाती कीवी है, कुछ नाशपाती कीवी है, ये बात क्या है, सही है, क्योंकि कथन में कीवी को नाशपाती किया कहा गया। जब भी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट हमारा रिपीट हो कंक्लूजन में तो हमेशा वीक माना जाता है, तो यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष, तो ये गलत ऑप्शन है। केवल निष्कर्ष एक गलत ऑप्शन है, केवल एक और दो दोनों गलत ऑप्शन है, केवल दो अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है प्यारे बच्चों, मेरे पास राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, इस तरीके के सीखो। ये टाइप नंबर मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो सेकेंड या थर्ड टाइप होता है, तो उस पर ध्यान दो प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जब भी ऐसा कोई डायग्राम दिया जाए तो इनका रोटेशन देखते हैं, एरो लगा लिया जाता है, रोटेशन ऐसे तरीके से देखा जाता है कि लेफ्ट वाला राइट में है कि राइट वाला लेफ्ट में है, अप वाला डाउन में है कि डाउन वाला अप में है, बीच में वाला लेफ्ट पे जा रहा राइट पे जा रहा, डाउन में जा रहा अप राइट में जा रहा, किस में जा रहा, ये चीज ध्यान देती है। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन, ये जो ब्लैक स्क्वायर बना है ये देख लो सबसे ज्यादा लेफ्ट में अप में गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये अप में गया है और ये जो ट्रांसफर था वो यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों में ही आपको ऐसे संपर्क करके चलना है। अब देखना मेरे भाई, जो इनका रोटेशन था, जो यहाँ पे था वो हमारे पास राइट में पहुँचा, अब जो राइट में है वो राइट वाला कहाँ पहुँचा है, यहाँ बीच में पहुँचा, और जो बीच में था वो अप पे पहुँचा, जो अप में है वो राइट में। अगर हम इस तरीके का कोई भी एरो बनाते हैं कि पहली स्टेप में हमने इसको बीच वाले को यहाँ पहुँचाया, ठीक, सेकेंड जो यहाँ पे था उसको यहाँ पहुँचाया, और जो यहाँ था उसको यहाँ पहुँचा दिया, और जो आपके पास यहाँ था उसको यहाँ पहुँचा दिया। एक जेड के आकार में हमेशा डायग्राम को देखना, किसके आकार में, जेड के आकार, ऐसे करके हमें जेड के आकार में अगर डायग्राम देखना, देखना इसको देखना ऐसे करके, तो ये हमारा चेंजमेंट हुआ। वही चीज़ देखना, जस्ट जेड को कैसे रोटेट किया है ये चीज़ देख के चलो, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये होगा हमारा वो राइट लेफ्ट साइड में होगा, अप में होगा, क्या इसमें वो है, नहीं है, क्या इसमें वो है, नहीं है, क्या इसमें वो है, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है प्यारे बच्चों। बोलो, अगर आप ऐसे करके आप किसी भी एरो को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत आसानी से लगेगा। और प्यारे बच्चों थोड़ी सी मेहनत करनी होती है बस, कि हमारा लेफ्ट का राइट जा रहा, राइट का भी मिडिल में जा रहा, मिडिल वाला लेफ्ट की ओर जा रहा, लेफ्ट वाला राइट की ओर आ रहा, एक जेड के आकार में बनता रहेगा। चलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन को, यदि दर्पण को दाई ओर रखा गया, दर्पण किधर होता है, दायां, तो मेरे भाई मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब भी बताता हूँ हमेशा लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, तो दर्पण प्यारे बच्चों कहाँ रखा गया, इस साइड में दर्पण रखा गया। और लेटर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि दर्पण में कौन सेम रहते हैं कौन नहीं सेम रहते हैं, आज फिर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इन चीज़ों पर फोकस करो। दर्पण में जो कैपिटल लेटर होता है यानी बड़े अक्षर जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन की संख्या भी पूछ चुका है एग्जाम में, बड़े अक्षर जो बदलते नहीं है यानी सेम दिखाई देते हैं, ये मैं सेम सेम लिख रहा हूँ, लिखूंगा ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इनकी संख्या होती है प्यारे बच्चों 11, कितनी होती है 11। स्मॉल लेटर जो छोटे अक्षर हैं जो बदलते नहीं हैं,
सेम दिखाई देंगे, वो होते हैं हमारे पास आई एल ओ वी डब्ल्यू एक्स, ये होते हैं छह प्यारे बच्चों। अगर नंबर्स की बात करें संख्या में दर्पण में, तो जीरो और आठ ये कभी नहीं बदल सकते हैं, किसमें दर्पण में जो संख्याएं आएंगी ये कभी नहीं बदलेंगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, बस इसको अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली पहचान दर्पण की ये होती है, राइट साइड दर्पण है तो राइट वाला पहले और लेफ्ट वाला बाद में, ये चीज चेंजमेंट होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट चेंजमेंट बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो देखिए हम चारों जगह देख लिए कि एक से ऑप्शन स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा डाउन में दिया रहा था, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत कर दो। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम इनका चेंजमेंट कर रहे हैं तो एफ हमारा डाउन में नहीं जाना चाहिए, ये एफ ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ये बस कमियां पहचान करवा रहा हूं, ये देखो ये भी एच का लेफ्ट टू राइट हुआ, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? यानी अप टू डाउन हुआ, अप टू डाउन नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, जो कि राइट आंसर हो गया, क्लियर आंसर हो गया। अगर आप एक एक चीज की डायग्राम बनाओगे समय लगेगा, आप लेटर को पहचान लोगे, डायग्राम को पहचान लोगे कि हमारा लेफ्ट टू राइट होना, अप टू डाउन नहीं होना है, जल में अप टू डाउन होना है, लेफ्ट टू राइट नहीं होना है, तो ये चीजें बहुत आसान से क्लियर हो जाएंगी। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और देखो कैसे किया जाता है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न आकृति के स्थान पर आ सकती है। बड़ा क्वेश्चन को कभी भी कठिन मत समझो, इसमें सिंपल करने की कोशिश करो, और टारगेट हमेशा बड़े नंबर को ही करते हैं, जब बड़ा नंबर टारगेट नहीं होता है तब छोटे नंबरों से कोई काम करना शुरू करते हैं। तो बड़ा नंबर अगर इसमें देखें तो हमारे पास 34 दिया गया, तो हम क्या क्या सोच सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, इतने कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ये पंक्ति से भी लगा सकते हैं, रो से लगाएंगे या कॉलम से लगाएंगे, इसको स्तंभ बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, इतना याद रखना। अगर मैं 30 से 13 कम कर दूं, 30 से 13 कम करूं तो कितना आता है? 17। 17 का अगर डबल कर दूं तो प्यारे बच्चों कितना बन जाता है? 34। बोलो बना, हाँ या ना? ऐसे 30 से अगर 19 कम कर दूं, 30 से अगर 19 कम करूंगा तो 11 आएगा, 11 का अगर डबल कर दूं तो कितना बनेगा? 22। सेम प्रोसेस इसमें भी करके देख लें कि ये हमारा क्या बन सकता है। ये हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया गया? 27। तो ऐसा कोई ऑप्शन उठाएं जो हम यहाँ पे रख दें। अगर मैं यहाँ पे 34 रख दूं, 34 से प्यारे बच्चों अगर 27 कम कर दें तो कितना आएगा? 7। 7 का अगर डबल कर दें तो आंसर कितना बनेगा? 14। बोलो सेम प्रोसेस में कंप्लीट हुआ। ऐसे प्रोसेस, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, मेहनत करनी है, कोई सवाल कठिन नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट को ढूंढना बहुत आसान सा क्वेश्चन बना ले जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बात करते हैं। फिर आया है एक सीरीज, लिखा है 14, 16, 22, 34, 54 कामा लिखा है 84, आगे डैश, जरा ध्यान दो। अच्छा 14 और 16 में कितना अंतर है मेरे प्यारे बच्चों? 2 का, और इसका अंतर कितना है? 6 का, और इसमें अंतर देख रहे हैं तो इसका अंतर है 12 का। 22 और 34 में अंतर कितना है? 12 का। फिर अंतर देख रहे हैं तो कितना है? 20 का, और फिर अंतर देख रहे हैं तो अंतर है 30 का। आगे डिफरेंट हमें करना है, हम कभी भी सीरीज को देखते हैं तो हमेशा डिफरेंट करना शुरू करते हैं। 2 और 6 में अंतर कितना है? 4 का। 6 और 12 में अंतर कितना है? 6 का। 12 और 8 में 20 कितना अंतर कितना है? 8 का। और 20 और 30 में अंतर कितना है? 10 का। तो आगे कितना होगा भैया? 12 का। तो 30 और 12 कितना हो गया? 42। अगर 42 में इसमें जोड़ूं तो 84 में 42 जोड़ रहा हूँ, 4 और 2 6 और 8 और 4 12 126। आंसर क्या बनना चाहिए? 126, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सी। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? यहाँ से सीरीज की क्लियर हुई है। जरूरी नहीं कि एक स्टेप में ही सेम फंस जाए, दूसरी स्टेप में जा सकती, तीसरी स्टेप में भी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे अधिक आपको सीरीज पे ही फोकस करना है। और देखो इस सीरीज को लगा कैसे सकते हैं, बड़ा ध्यान सुनने की बात है मेरी। इस सीरीज में सबसे बड़ी कमियों को ढूंढते हैं पहले। देखो ये लिखा है कमी सबसे बड़ी, पी ओ के लिखा है। क्या लिखा है? पी ओ के। अगर हम यहाँ पे के बना दें तो ये हम पढ़ सकते हैं पी ओ के। बोलो, और हमें मालूम एल के बाद ओ बनना है, एल के बाद क्या भरना? ओ। तो एल के बाद अगर ओ भर दें, तो अगर मैं इतना पढ़ के सुना दूं, एल ओ पी ओ के, 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 तो हमने भरा क्या क्या है? ओ भरा है, के भरा है, पी भरा है, एल भरा है, ओ भरा है, ओ भरा है, ये हमने भरा है। अब ऐसे ऑप्शन ढूंढ लो कि लास्ट में डबल ओ होना चाहिए, तो इसमें डबल ओ नहीं है, इसमें डबल ओ नहीं है, इसमें डबल ओ नहीं है, इसमें डबल ओ है। अब मैच कर लो, ओ के पी एल डबल ओ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सही। फिर से देखो,
सबसे बड़ी कमी को पहचानते हैं। जो कमी हमारे प्यारे भाइयों, सिर्फ सिर्फ कमी अगर सीरीज में देखे जाए तो POK पकड़ में आई थी। क्या पकड़ में आई थी कमी? POK, ये कमी पकड़ में आई थी। एक चीज और पकड़ में आ गई कि L के बाद O भरना है, तो बस L के बाद O भरा, POK लिख दिया। 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 सेम सेम ये सब सेम बन गया जाके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जब आप पढ़ के चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बातें सही हैं। जब आप रिवीजन करोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे, तो आप इन सीरीजों को पहचानना शुरू कर दोगे। चलो बात करते हैं फिर बेटा। ये क्वेश्चन आया आपका, कोड डिकोड का क्वेश्चन है। देखो, किसी कूड़ भाषा में SOBER को 64 लिखा जाता है। चलो लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, SOBER, इसको क्या लिख दिया गया है? 64 लिख दिया गया प्यारे बच्चों। तो ध्यान दो, इसका नंबर होता 19, इसका होता 15, इसका होता 2, इसका होता 5 और इसका होता 18। अच्छा, 15 और 19 को अगर जोड़ूंगा तो 34, 34 और 2 36, 36 और 5 41, 41 और 18 को अगर ऐड कर रहा हूं, 19 और 15 हो गया 34, 34 और 2 36, 36 और 36 और 5 हो गया 41, 41 और 18, 41 और 18 को जोड़ रहा हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 9 और ये बनेगा हमारे पास 5, यानी 59 बना है। तो जब इनके रियल नंबर को जोड़ा तो 59 बना है और आंसर आप रहा आपका 64। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ, क्यों 5 जोड़ूँ? कि हो सकता है लेटर इसके कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जोड़ दिया तो कितना बन गया हमारे पास, 64। ऐसे ही हम इसको फॉलो कर लें, लिखा है NOSTALGIA, ये लिखा है। अच्छा, N का नंबर होता है 14, ये होता है 15, ये होता है 19, ये होता है 20, ये होता है 1, ये होता है 12, ये 7, ये 9, ये 1। 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 12 हो गया 29, 29 और 1 हो गया 30, 30 और 20 हो गया 50। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये लिखा है 14, ये लिखा 15, तो ये हो गया 29, और 29 में अगर 19 जोड़ दूँ तो ये हमारे पास बन रहा 9, 9, 18, और 2 और 1 3 और 1 4 48, इनको जोड़ रहा हूँ तो ये बनेगा 8 और 98। अच्छा, लेटर कितने हैं जरा ये देख लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 9 लेटर हैं। अगर 98 में 9 जोड़ दूँ तो हमारे पास कितना बन रहा है, 107, जो कि ये आंसर राइट है। अब हमारे पास रिपेयर लिखा है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, रिपेयर। तो रिपेयर में भी यही प्रोसेस करेंगे, REPAIR, रिपेयर। 18 है, 5 है, 16 है, 1 है, 9 है, 18 है, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 16 कितना हो गया 26, 18 और 5 हो गया 23, और 23 में ये 18 और जोड़ना है आपको ये। चलो देख रहे हैं, 8 और 3 9, 9 और 8 7 का 7 हो गया, 17 का 7 हो गया, 2 और 2 4, 4 8 और 1 कितना हो गया 9, 18 5 23, 23 और 1 24, 24 और 24 और 16 हो गया आपके पास 40, 40 और 27 हो गया, 40 और 27 हमारे पास, 40 लिख लिया और 27 लिख दिया, ये बचा 7 और ये हो गया 67। लेटर कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर हैं। अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं, 67 और 6 बन जाएगा 73, ये बना 67, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर है। सबसे पहले इनके रियल नंबर को ऐड करो प्यारे बच्चों, जितने लेटरों की संख्या दी गई है उनको ऐड कर दो, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, अच्छा यह है बॉक्स, ये वह बॉक्स चुने जो दी गई कागज की सीट को मोड़े जाने पर बॉक्स के दृश्य नहीं है, यानी बॉक्स का दृश्य नहीं है। हमेशा याद रखना, साइड साइड का अपोजिट होता है, पहले तीसरे का अपोजिट होता है, दूसरे चौथे का अपोजिट होता है। ये जिन बच्चों को अपोजिट याद रहेगा वो आंसर अच्छे से आंसर को कर ले जाएंगे। अब देखना, क्या 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट बने हैं हमारे पास, बोलो। 4 और 5 क्या ये अपोजिट बने हैं, अच्छा। 3 और 2 क्या एक दूसरे के अपोजिट बने हैं, ये भी हमारे पास अपोजिट नहीं बने। अब इनको बोला गया है कौन सा दृश्य नहीं हो सकता है, बस ये चीजें याद रखनी, कौन सा दृश्य नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगर बनाना चाहें, ये बनाना चाहें तब भी हमारे पास ये बनेगा, ये बनाना चाहें तब भी हमारे पास ये बनेगा, इसको बनाना चाहें तब भी हमारे पास ये बनेगा। कंप्लीटली अगर हम देखें तो हमारे पास बनने वाला कौन सा नहीं है। अगर सेम सेम की बात करें
तो अगर ये देखते हैं कि ये जो डायग्राम बनना चाहिए इन इन दोनों में कौन कौन सा सेम सेम बना है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम सही से देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर नहीं है, इसका ये नहीं बनेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका पास, देखो आकृति देखेंगे, दो का अपोजिट क्या निकला है चार, और तीन का अपोजिट क्या निकला है पांच, और साइड अगर यहां ए भर दें यहां बी, इसका अपोजिट ए का अपोजिट क्या निकला है बी। तो अगर डायग्राम में देखते हैं, ये डायग्राम को बस रोटेशन देखना, ये कभी भी अप में है तो डायग्राम हमेशा इधर ही की तरफ बनाएगा, तो ये सही है हमारे पास, ये सही है, और ये भी वाला क्या है सही, तो सी ऑप्शन हमारा ये डायग्राम कंप्लीटली नहीं बना पाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, गलत आंसर हो गया, इसको सिर्फ रोटेशन करके देखा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करो, आगे बढ़ो, आपके एग्जाम में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।